एसआर पावर एमपी लिमिटेड बंधोरा कंपनी ने निकाला विस्थापितों को बाहर, जहां एक महीने से लगातार कुल 150 लोग निकाले गए कंपनी से बाहर। सिंगरौली बंधोरा एसआर कंपनी के द्वारा विस्थापितों को निकाला गया बाहर। करीबन ढाई महीने से कंपनी से निकाले गए विस्थापित, कंपनी नहीं दे रही विस्थापितों को नौकरी। दिन पर दिन कंपनी स्थापित या जो विस्थापित नहीं है उन लोगों को बाहर निकाल रही है। जो स्थानीय लोग जो बाहरी वर्कर्स हैं उन लोगों को भी बाहर नहीं निकाला गया है। स्थानीय लोगों और विस्थापितों को बाहर निकाला जा रहा है। एसडीएम साहब के कहने पर कुछ दिन की मोहलत दी गई थी, उसमें कुछ लोगों को रखा गया है, बाकी को बाहर कर दिया गया है। एसडीएम साहब के द्वारा कहा जाता है कि जो पात्र लोग हैं उसी को कंपनी में काम दिया जाएगा, जो पात्र नहीं है उनको नहीं दिया जाएगा। कंपनी ने जिस स्थापित या स्थानीय लोगों का जमीन ली है उन लोगों को भत्ता भी नहीं दे रही है और उसे काम भी नहीं मिल रहा है। इससे स्थानीय और विस्थापित लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उपयुक्त कार्यवाही में एसडीएम रवि मालवी, एसडीओपी नीरज नामदेव, अंजना सिंह बंधोरा, चौकी प्रभारी प्रदीप सिंह और विनय, टीआई देवेंद्र कुमार पाठक, आम आदमी पार्टी से रानी अग्रवाल इस धरने प्रदर्शन पर उपस्थित रहे। 31 मार्च को जब कंपनी को टेंडर मिलेगा उसके बाद और लोगों को कंपनी में काम दिया जाएगा। एसडीएम साहब ने कहा है कि कंपनी काम नहीं देती है तो कंपनी की गाड़ियां अंदर नहीं जाने दी जाएंगी। इसका आश्वासन एसडीएम साहब ने दिया है। जो विस्थापित लोग हैं या स्थानीय लोग हैं उन्हें यह आश्वासन दिया गया है। सिंगरौली मध्य प्रदेश से अजय पांडे की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।